स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने मोशन के कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे और उन न्यूमेरिकल्स के अंदर मैंने आपको सब्जेक्टिव शीट दी थी कुछ ट्राई करने के लिए। कितने लोगों ने ट्राई की और कितने लोगों से 50% से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए? अच्छा, मोर देन 50 हो गए, बाकियों के लेस देन 50% है। चलो, डाउट्स लेंगे आज हम शीट्स के, लेकिन उससे पहले काम करते हैं। उससे पहले काम करते हैं, ये शीट आपको भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 2 मिनट में, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज़ सब्जेक्टिव हैंड रिटन शीट नंबर 10 रिसेप्शन से प्रिंट आउट लें। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने लास्ट टाइम एस एनथ का फॉर्मूला किया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन एनथ सेकेंड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन, ऐसा किया। और क्या फॉर्मूला किया था? यू प्लस ए बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। तो हमने ये किया कि जैसे अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड डिस्क्राइब्स 12 मीटर इन थर्ड सेकेंड। उसने 3 सेकेंड्स नहीं कहा, उसने थर्ड सेकेंड कहा। तो 12 मीटर इन थर्ड सेकेंड एंड 20 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड ऑफ द मोशन। तो ये तो बात पक्की है कि एस एनथ का ही फॉर्मूला लगने वाला है इसमें। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 12th सेकेंड कहा। तो सबसे पहले काम करते हैं, केस नंबर 1 में हम ये फॉर्मूला लगाएं एस एनथ का। एस एनथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 इनटू 2n माइनस 1। तो मैंने क्या किया इसमें, एस थर्ड का मतलब कितना डिस्टेंस गिवन है, 12। तो 12 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 इनटू 2 इनटू 3 माइनस 1, क्योंकि थर्ड सेकेंड का मतलब n की वैल्यू यहां पर क्या चलेगी, 3। गुड आउट इसमें, क्लियर है। और केस नंबर 2 में, और यहां पर 2 इंटू 3 6 माइनस 1 क्या आ गया, 5। केस नंबर 2 में एस फिफ्थ सेकेंड में डिस्टेंस कितना है, 20। तो एस एनथ का फिर से फॉर्मूला लगाया 20 प्लस यू प्लस ए बाय 2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, क्योंकि फिफ्थ का मतलब n की जगह यहां पर क्या लिया जाएगा, 5। तो 2 इंटू 5 10 में से 1 गया 9, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने लास्ट टाइम ऐसे शुरू किया था, इसे लास्ट टाइम जाते हुए सेम क्वेश्चन था। फिर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को इकट्ठा लिखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये माइनस 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 ये कट गया, ये माइनस 8 आ गया, ए बाई 2 कॉमन आ गया, 5 माइनस 9। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, ए आ गया। तो ऊपर सॉल्व करके क्या आ गया, यू आ गया। तो साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया, तो साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो किसकी वैल्यू आ गई, यू और ए की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, क्योंकि मेरे को इसमें डिस्टेंस क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12th सेकेंड, तो फिर से एक बार फॉर्मूला किसका लगेगा, एस एनथ का। इस बार एस एनथ में एन की जगह क्या पुट करेंगे, 12। तो एस 12th इज यू प्लस ए बाय 2 इंटू 2 एन माइनस 1 में यू हमने निकाल लिया, ए हमने निकाल लिया, और एन की जगह क्या पुट किया, 12। तो सॉल्व करके आंसर कितना आ गया, 48 मीटर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है? ठीक, तो एस एन एथ हम लास्ट टाइम कर ही रहे थे, तो उसकी रिवीजन करवा रहा हूं मैं कि किस टाइप से इस न्यूमेरिकल को करना है। और ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारी शीट का ही न्यूमेरिकल है, किसी को डाउट अगर होता होगा तो वो क्लियर हो गया, क्लियर है यहां तक। फिर हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो सब्जेक्टिव शीट का, जो मैंने लास्ट टाइम जाते हुए मैं बता रहा था। तो वो क्वेश्चन था क्या, अ बॉडी डिस्क्राइब 400 सेंटीमीटर इन थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड का मतलब एस एन एथ, एंड 1200 सेंटीमीटर इन फिफ्थ सेकेंड, फिर से एस एन एथ। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ए कांस्टेंट है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। उसने थर्ड सेकेंड नहीं कहा, नेक्स्ट 3 सेकेंड। तो पहले हमने केस नंबर 1 बनाया, केस नंबर 1 में एस थर्ड का फॉर्म की वैल्यू कितनी गिवन है, 400, यू प्लस ए बाय 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, सॉल्व करके ये इक्वेशन बनी। फिर हमने एस फिफ्थ निकाला जो कि कितना है, 1200, जो गिवन है। एस फिफ्थ का मतलब 1200 में एन की जगह 5 पुट किया, तो क्या इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था यू और ए की वैल्यू आ गई, यू आया था -600, ए कितना आ गया, 400। कोई डाउट इसमें? ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम किया हमने। तो इसको करने के दो तरीके थे, एक तरीका मैंने बता दिया था, दूसरा मैं नहीं बता पाया था, मैं अब दूसरा बता रहा हूं कैसे। तो पहला तरीका क्या बताया था, यू और ए आ गया, 3 और 5 सेकंड की बात हो चुकी है,
वो अगले 3 सेकंड का डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि 5 सेकंड के बाद 3 सेकंड क्या हुआ, इसका डिस्टेंस कितना है। तो आपको अगले 3 सेकंड में ये डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल जर्नी कितने सेकंड की हो चुकी है शुरू से लेके एंड तक, 5 + 3 = 8, तो टोटल डिस्टेंस पहले 8 का निकलेगा, इसमें से टोटल डिस्टेंस 5 का माइनस करेंगे तो ये बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा। यही स्ट्रेटजी यूज की थी। और एस 8 का मतलब 8 थर्नी है, 8 है डिस्टेंस इन 8 सेकंड का मतलब यूटी प्लस हाफ, 80 स्क्वायर में टाइम की जगह 8 फुट किया, ऐसी 5 सेकंड में यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर में टाइम 5 फुट किया, यू आर ए तो पता ही है, इन्हें माइनस किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, 6000 आंसर आया। कोई डाउट इसमें? ये पहला मेथड था, लेकिन मैंने जाते हुए ये बताना था कि इसको करने का एक और भी मेथड है। यू और ए आप निकाल चुके हो, आपको फिर से एक बार यही डिस्टेंस निकालना है, तो क्यों ना आप ऐसा करो, यू पता है ए पता है, इस यहां से यहां तक पहले आप यहां की वेलोसिटी निकाल लो कितनी है। तो इस जर्नी के लिए यू कितना है, -600, वी हमने निकालना है, ए हमें पता है, तो यू कैन अप्लाई यहां से यहां तक, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो U की जगह क्या पुट करेंगे, -600, एक्सेलेशन क्या पुट करेंगे इसमें 400, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है 5, पुट करके V निकल गया 1400, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी हो चुकी है 1400। क्लियर यहां तक 1400। अब मेरे को यहां का डिस्टेंस निकालना है, एक्सेलेशन तो मुझे पता ही है, अब सिंपली बस 3 सेकंड के लिए यू कैन अप्लाई एस इज यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इस जर्नी के लिए 1400 क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इस जर्नी के लिए 1400 है, टाइम इसमें 3 सेकंड है, तो यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर जब लगाया तो भी आंसर एग्जैक्टली सेम आया। तो आपकी मर्जी है, आप पहले मेथड को यूज करो, आप दूसरे मेथड को यूज करो, दोनों में से कोई मर्जी मेथड यूज करो, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको ना एक ऐसा ग्राफ मैंने शीट के अंदर भी दिया था सॉल्व करने के लिए, आपने ट्राई भी किया होगा, तो मैं आप उसके अंदर एक थोड़ी सी करेक्शन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब डिस्कशन करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर आपको कोई भी ग्राफ गिवन है और वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ के मेरे को सिर्फ दो ही रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट आता है अगर वीटी ग्राफ की स्लोप लेंगे तो क्या मिलेगी, एक्सेलेरेशन, और वीटी ग्राफ का एरिया लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। तो एक काम करते हैं, वीटी ग्राफ है, दो क्वेश्चन पूछे गए, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का चक्कर ये होता है कि एक कार आगे गई 10 किलोमीटर, वापस आ गई 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि जाने का और आने का अफेक्ट कैंसिल हो जाता है, आंसर जीरो। पर डिस्टेंस में सारी चीजें हमेशा ऐड ही होती हैं, सब्ट्रैक्ट तो कुछ होता ही नहीं, तो डिस्टेंस तो क्योंकि लेंथ है। तो जब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो जब आप ऑब्वियस निकालेंगे तो एरिया ही निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इज 3 और हाइट इज 20, इसका हाफ बेस 1 है और हाइट कितनी है -20, और ऐसी लेंथ इंटू ब्रेथ, हाइट 10 है और ये ब्रेथ कितनी है 1 है, पर मैंने हर जगह क्या लगा लिया, मॉड। क्यों? मॉड का मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, क्यों? क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस। मतलब कि वेलोसिटी पहले 20 से -20 होगी, इसका मतलब ये होता है कि पहले गाड़ी एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ जा रही है, फिर वो नेगेटिव एक्स की तरफ आ गई, तभी तो -20 आया। पर हमने तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे गई या पीछे गई, डिस्टेंस में तो लेंथ ऐड ही होनी है। तो जब डिस्टेंस वर्ड आएगा तो आपने सारे एरियाज को प्लस करना है, प्लस ही करना है, चाहे कोई एरिया नेगेटिव आ रहा हो तो भी आपने क्या लगा देना है, मॉड। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट आती है आपने मॉड नहीं लगाना, डिस्प्लेसमेंट के केस में फर्स्ट एरिया माइनस सेकेंड एरिया प्लस थर्ड एरिया, फिर आपने अगर माइनस है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है, तो आंसर डिफरेंट आएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ध्यान से पढ़ना, मुझे डिस्टेंस कहा या मुझे डिस्प्लेसमेंट कहा, तो अगर डिस्टेंस कहा तो फिर एरिया ऐड करते जाओ, डिस्प्लेसमेंट कहा तो फिर जो एरिया नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसके अकॉर्डिंगली उसे चेंज करो। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ये क्वेश्चन पढ़ें प्लीज और ट्राई करें, असाइनमेंट का नहीं है, मैं लिख के लाया हूं, ऐसे ही पढ़ें जरा क्या क्वेश्चन है।
देखो जरा क्या क्वेश्चन है. पुलिस इंस्पेक्टर इज इन अ जीप एंड चेजिंग अ पिक पॉकेट ऑन अ स्ट्रेट रोड. पुलिस वाला है वो ना किसी पिक पॉकेट को पकड़ना चाहता है. एंड जीप इज गोइंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड वी. ठीक है, जीप जा रही है मैक्सिमम स्पीड वी से जा रही है. पुलिस वाले ने पूरी रेस दबा के रखी हुई है, इसके ऊपर वो भाग भी नहीं सकता, तो वो वी वेलोसिटी से चलता जा रहा है. तो खुद देख लिया वहां पर वो थीफ है वहां पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट. यार वो स्पीड क्यों स्लो करेगा, वो तो वी मैक्सिमम स्पीड से मूव करता जा रहा है और गिवन है एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म. तो पुलिस वाले की जो वेलोसिटी है दैट इज कॉन्स्टेंट, कोई डाउट इसमें. अब द पिक पॉकेट राइड्स ऑन अ मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल पे भागना चाहता है. ऑफ अ वेटिंग फ्रेंड व्हेन जीप इज एट अ डिस्टेंस डी अवे. तो जैसे ही इसके बीच में डिस्टेंस डी है, ये अपने दोस्त की वेट कर रहा था, दोस्त बैठ गया, उठाई बाइक और अब ये भागने की कोशिश कर रहा है. तो यू इसका क्या रहेगा, जीरो. इनिशियल वेलोसिटी जीरो है लेकिन अब इसको रेस देनी है तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेट. लेकिन ये वेलोसिटी वी के साथ ही कॉन्स्टेंट भागता आ रहा है और ये इसे पकड़ना चाहता है. ठीक, तो अब वो कह रहा है कि ठीक है, वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ मूव करता है पिक पॉकेट. शो दैट पिक पॉकेट विल बी कॉट, पुलिस वाला पकड़ लेगा उसे, शो करो. जब टाइम किसके इक्वल होगा, सॉरी, जब वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 280, राइट. ये क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन का लॉजिक समझो पहले. देखो जो अब हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, कई लोग बोलते हैं आंसर ये आया आंसर. देखो आंसर तो चलो आता है तो खुशी ही मिलती है ऑब्वियसली, कि कुछ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ठीक जा रहा हूँ. बट आपको ना जो फिजिक्स की सर मेन प्रॉब्लम है वो कुछ और है. फिजिक्स की प्रॉब्लम है कि आपको प्रॉब्लम कितनी समझ में आई. सोल्यूशन तो बाकी बात है, सोल्यूशन तो वही है वी यू प्लस 80. प्रॉब्लम है कि जो क्वेश्चन है वो आप कितने बेटर अंडरस्टैंड करते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी सोल्यूशन सोचना उतना ही ईजी होगा. तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम है प्लीज़ डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करो. तो आप नोट करो, मैं जितने भी क्वेश्चन करता हूँ वो हमेशा विद डायग्राम करता हूँ, बनता नहीं है फिर भी बनाता हूँ. ये देखो मैंने डायग्राम बनाया, ये पुलिस वी के साथ जा रही है और जब डिस्टेंस डी है इसने मूव करना शुरू किया, थोड़ी देर के बाद ये इसे कैच कर लेगा. तो पुलिस वाला यहाँ से चला था, पिक पॉकेट यहाँ से चला था, लेकिन अब इसने इसको कैच कर लिया. ठीक हो गया यहाँ तक. तो अब मेरे को ये समझ में आता है कि जो थीफ है, जो पिक पॉकेट है, उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया एस पकड़ने से पहले, जो पकड़ा गया तो एस डिस्टेंस है, कितने टाइम में, टी टाइम में. तो मान लो टी टाइम में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन टी टाइम में पुलिस वाले ने डी प्लस एस डिस्टेंस कवर किया. देखो आपका क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ, आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ यहां से. जब आपको क्वेश्चन दिखाया जाता है आपका टाइम वहीं से स्टार्ट हो जाता है. तो मान लो आपके हाथ में स्टॉप वॉच थी, जब मैंने ये सिचुएशन आपको बताई, आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया जब ये भागना शुरू कर रहा है. तो जब ये पकड़ा गया, स्टॉप वॉच को आपने क्लोज कर लिया, तो कुछ टाइम आया, टी टाइम आया स्टॉप वॉच के ऊपर. तो मैंने पूछा ये बताओ कि उस टी टाइम में पिक पॉकेट कहां से कहां गया, आपने कहा सर यहां से यहां गया. मैं कहा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपने कहा एस. मैंने कहा पुलिस वाला उस टाइम में कहां गया जो आपको ये सिचुएशन दिखाई थी, आपने कहा पुलिस वाला भी यहीं पे मिलेगा आपको. तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना टी टाइम में ही, तो आप बोलेंगे डी प्लस एस. ऑब्वियसली पुलिस वाला तेज भाग रहा है तभी उसको पकड़ेगा और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी टाइम में, टी टाइम में, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डी प्लस एस. ये लॉजिक समझ में आ रहा है. तो टी टाइम में पिक पॉकेट ने यहां से यहां डिस्टेंस कवर किया और टी टाइम में पुलिस वाले ने डी प्लस एस डिस्टेंस ट्रेवल किया. कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक. तो एस अगर पिक पॉकेट की इक्वेशन लगाई जाए तो पिक पॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो. एक्सेलेरेशन क्या है, ए. तो पिक पॉकेट के लिए यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ 80 स्क्वायर. ठीक है, पिक पॉकेट तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, पिक पॉकेट का डिस्टेंस एस है, तो टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ 80 स्क्वायर. कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है. और पुलिस वाले की स्पीड तो कांस्टेंट है, तो यू कैन अप्लाई इक्वेशन एस इज इक्वल टू वीटी. तो पुलिस वाले ने टोटल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वी इनटू टी. ये एक तरीका है बताने का पुलिस वाले का डिस्टेंस वी इनटू टी. और दूसरा एक और तरीका है डी प्लस एस, इक्वेट कर दे दोनों को. तो पुलिस वाले ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वी इनटू टी, और पुलिस वाले ने यहां से डायग्राम से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी प्लस एस. तो क्या मैं लिख सकता हूं, पुलिस वाले का डिस्टेंस वी टी मस्ट बी इक्वल टू डी प्लस एस. ये इक्वेशन में कोई डाउट किसी को, इसमें इक्वेशन एकदम क्लियर है. ठीक, अब एस की वैल्यू हमें पता है कितनी, हाफ 80 स्क्वायर.
तो एस की वैल्यू को मैंने क्या पुट कर दिया, हाफ 80 स्क्वायर, कोई डाउट इसमें किसी को? तो यहां पर मैंने एस की वैल्यू को भी पुट कर दिया, ठीक। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि वी टी इज इक्वल टू क्या लिखा, डी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, टू एलसीएम ले लेते हैं, टू वी टी इज टू डी प्लस ए टी स्क्वायर, या फिर टू डी प्लस ए टी स्क्वायर माइनस टू वी टी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, ये इधर चला गया, ठीक। तो ये लिखा हुआ है, चेक करो, मैंने ए इंटू टी स्क्वायर ये टर्म पहले लिख ली, ये टर्म बाद में लिख ली, और ये टर्म सबसे आखिर में लिख ली, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्या आपको ये इक्वेशन क्लियर है कैसे आई, रीअरेंज करके लिख ली, ठीक है यहां तक? एक चीज नोट कर रहे हो, टाइम में क्वाड्रेटिक बन चुकी है, चेक करो, टाइम में क्वाड्रेटिक है। तो टाइम के अंदर जो क्वाड्रेटिक है, टाइम में क्वाड्रेटिक है, तो एक काम करते हैं, ए से डिवाइड करते हैं इक्वेशन को, टी स्क्वायर 2v by a into t plus 2d by a must be equal to 0। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? a से डिवाइड कर लिया, अब देखो इक्वेशन क्वाड्रेटिक चल पड़ी। क्या आप क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हो? आते हैं रूट्स निकालने, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके तो फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला इज माइनस b, तो इसमें b ये क्या है, ये टर्म आ गया इस b, ऐसे ही है, a क्या बनेगा 1, और ये क्या बनेगा c, क्वाड्रेटिक ऐसे ही करते हैं ना, तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 4v स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 4 टाइम दिस इनटू दिस, तो ये 8 टाइम 8 हो जाएगा यहां पे, डिवाइडेड बाय 2a, a का मतलब विभाजन है तो 2 * 1, तो रूट हर कोई लिख लेगा क्वाड्रेटिक का, ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का रूट लिख लोगे नहीं, ठीक है, ठीक है। वैसे ही मेरे को टी स्क्वायर में पसंद है, अब मत करो, आप इसकी एक ही वैल्यू ले लो, आप इसको इसका रूट निकालना चाहते हो, इसका निकाल लो यार, तो भी आंसर सेम आएगा, क्या फर्क पड़ता है, आप इसको क्वाड्रेटिक मानते हो, इसको बनाना है, इसको सॉल्व कर लो, इसको बनाना है, क्या फर्क पड़ता है, मैथ्स है, एक ही बात है, ठीक है यहां तक? तो आगे करें, तो इसके अंदर ये रूट आ गया। अब टाइम, कभी आपने जब टाइम की वैल्यू है अगर आपको सॉल्व करनी है, तो ये जो टर्म है अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है, वो किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं आ सकती, जो भी ये वैल्यूज हैं, अगर ये नेगेटिव आएगा अंडर रूट के अंदर, माइनस फोर आ गया, माइनस फाइव आ गया, तो अलाउड ही नहीं ना टाइम में, आयटा में थोड़े ना आएगा, आयटा जो नॉन मेडिकल के लोग समझते हैं, तो ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली अंडर रूट में माइनस तो अलाउड ही नहीं है, टाइम तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि ये टर्म जीरो हो जाए तो भी सही आंसर आ जाएगा, या ये टर्म शुड बी ग्रेटर देन जीरो, कुछ पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अंदर की जो टर्म है ये कम से कम कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, और मैथ्स में पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अंदर की जितनी भी टर्म है वो क्या टर्म है, फोर वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस फोर डी इंटू टू डिवाइडेड बाय ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहां तक? जीरो हो तो भी ठीक है, नहीं तो ग्रेटर देन तो पक्का होना ही चाहिए। तो यहां से काम करते हैं, फोर वी स्क्वायर बाय, यहां से फोर से फोर तो कट ही गया ना, जीरो से गया, ए से ए भी गया, तो क्या बच गया, वी स्क्वायर बाय ए बच गया माइनस टू डी बच गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वी स्क्वायर बाय ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू डी, वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए डी, वी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू ए डी। तो ठीक है, ये प्रूव करना था कि इसकी वेलोसिटी इसके इक्वल एंड ग्रेटर देन होगी, तो यानी कि जो पुलिस वाला है वो इसे कैच कर लेगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है? शुरू शुरू में आपको काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, यार ये अब ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे।